तो किसान आंदोलन से जुड़ी खबर आ रही है। हनुमान बेनीवाल का दिल्ली कूच 26 दिसंबर को होने वाला है। दिल्ली कूच को लेकर जनसंपर्क कार्यक्रम आज है। जयपुर ग्रामीण में आमजन से मुलाकात होगी। बगरू, रेनवाल, फागी, दूदू, फुलेरा, जोबनेर, पावटा, कोटपुतली सहित कई गांव में जनसंपर्क होगा और कोशिश ये की जा रही है हनुमान बेनीवाल की तरफ से ज्यादा ग्रामीण जो है, ज्यादा से ज्यादा जो संख्या है लोगों की, वो दिल्ली कूच के दौरान शामिल हो सके, क्योंकि उन्होंने आह्वान भी किया है 26 दिसंबर को दिल्ली कूच का आह्वान किया गया है। हनुमान बेनीवाल जो कि आरएलपी के सांसद हैं, उनकी तरफ से दिल्ली कूच होना है 26 दिसंबर को और उसी के तहत जनसंपर्क कार्यक्रम आज आयोजित होगा। हमारे साथ अनिल जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। अनिल, कोशिश यही की जा रही है हनुमान बेनीवाल की तरफ से जनसंपर्क कार्यक्रम जो आयोजित होना है उसमें, कि ज्यादा से ज्यादा जो ग्रामीण हैं, जो लोग हैं इस कूच के दौरान, उसमें शामिल हो सके। देखिए बिल्कुल आशीष, और इसी को लेकर जनसंपर्क अभियान जो है लगातार हनुमान बेनीवाल का चल रहा है। हमें देखा था कि पहले भी कोटपुतली पहुंचकर जो था किसानों के आंदोलन को समर्थन वहां पर दिया गया था, और उसके बाद में लगातार पदाधिकारी भी बैठक करते हुए ऐलान किया गया कि 26 दिसंबर तक अगर किसानों की मांगे नहीं मानी जाती है, कि कृषि के तीनों बिलों को अगर वापस नहीं लिया जाता है, तो ये हनुमान बेनीवाल ने आंदोलन की चेतावनी दी थी और दिल्ली कूच का ऐलान वहां से किया था। तो ऐसे में दिल्ली कूच की तैयारियां जो है वो हनुमान बेनीवाल की ओर से यहाँ पर की जा रही है। लगभग तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके पास मैसेज पहुंच चुका है, लेकिन जयपुर ग्रामीण में ज्यादा कहीं ना कहीं जनसंपर्क अभियान को गति यहाँ पर दी जा रही है, और इसकी वजह भी है कि यहाँ से दिल्ली कूच का रास्ता सही भी बैठता है, काफी नजदीक भी रहता है। तो ऐसे में यहाँ पर ज्यादा कार्यकर्ताओं को जुटाने की मुहिम कहीं ना कहीं बेनीवाल की रहने वाली है। तो ऐसे में आज सुबह से ही जनसंपर्क अभियान यहाँ पर चलेगा। सुबह 10 बजे से बगरू से इस अभियान के शुरू होने के बाद में, चाहे बगरू हो, दूदू हो, पावटा हो, कोटपुतली हो, तमाम जगहों पर जो है वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और एक रणनीति यहाँ पर तैयार की जाएगी कि किस तरह से 26 दिसंबर को जब दिल्ली कूच हो तो यहाँ से कार्यकर्ता कैसे जाएंगे, किस तरह से पैदल मार्च करेंगे या फिर अलग से कूच की तैयारी होगी। जी, धन्यवाद आपका अनिल तमाम जानकारी के लिए। तो किसान आंदोलन के मामले से जुड़ी खबर आपको बता दें, हनुमान बेनीवाल ने जो आह्वान किया था 26 दिसंबर को दिल्ली कूच का, उसके तहत। जनटीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।